मंदिर के पुरोहित दरगाहों पर बताए कानून से अंदर ही अंदर इबादत करते थे। लोगों के घरों में मजारे और लोग भी कोई और नहीं, पुरोहित, सैनिक और उसमें कुछ व्यापारी भी। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के ऋषिकेश से आजकल आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजार ध्वस्त होने की वीडियो सामने आती ही रहती है। अब ये वीडियो में ध्वस्त हो रही मजारें कानूनी तरीके से तोड़ी जा रही हैं और ये मजारें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 से कहीं ज़्यादा हैं। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में हिंदू मंदिर के पुजारियों के घरों में आखिर मजारें हैं क्यों और अंदर ही अंदर उसकी इबादत क्यों कर रहे हैं, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वो खुद ही उन मजारों को तुड़वा रहे हैं, क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। दरअसल मामला है उत्तराखंड के ऋषिकेश का। अभी देवभूमि रक्षा अभियान चल रहा है जिसका मकसद देवभूमि को मजार मुक्त करना है, क्योंकि वहां घरों में 200 से अधिक मजारे बनाई गई, जिस बात से मुस्लिम तबके के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं और परेशान भी। वो इस पर उचित कार्यवाही चाहते हैं, पर सवाल ये है कि आखिर क्यों हिंदुओं के घरों में ये मजारे हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि ऑप इंडिया से बातचीत में चंद्रभूषण शर्मा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 26 अगस्त को हुई थी और उन्होंने बताया कि जब वो प्राइवेट नौकरी में थे तब उन्हें पता चला कि आखिर ऋषिकेश और उसके आसपास के इलाकों में 200 से अधिक मजारे बन चुकी हैं और इन्हें बनाने वाला कोई और नहीं हिंदू है, हिंदू भी वो जो कि धर्म के जानकार हैं, जैसे कि पूर्व सैनिक, व्यापारी और यहाँ तक कि मंदिरों के पुजारी। कुछ मजारे बनाने वालों के घर तक ही सीमित थी, जबकि कई अन्य तो धीरे धीरे सार्वजनिक रूप ले रही हैं। यहाँ कव्वाली आदि बाजा बजाकर सालाना उस्र मनाया जा रहा है और बाहरी लोग नमाज पढ़ने तक आते हैं। उन्होंने बताया कि मनसा देवी मंदिर के ऋषिकेश के पुरोहित का नाम लिया और जिनके घर लगभग 10 साल से अंदर ही अंदर मजार बनी थी। दावा है कि पुरोहित इसे पीर बाबा, शिव बाबा के नाम से प्रचारित भी कर रहे थे। चंद्रभूषण शर्मा के मुताबिक शुरुआत में काफी विरोध के बाद आखिरकार पुजारी ने मजार तोड़ने के लिए अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि एक पूर्व सैनिक ने तो हाईवे के किनारे इतनी बड़ी जमीन पर मजार बनवा रखी थी कि लगभग 3 दुकानें वहां पर बन जाती। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये हिंदुओं के ही घरों में बनती जा रही है। तो इसके पीछे की वजह ये है कि लोग जब छोटी मोटी बातों से परेशान होकर किसी दरगाह पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें घर में ही मजार बनाने का उपाय दिया जाता है और साथ ही उस मजार पर नमाज पढ़ने को भी कहा जाता है। उसके साथ ही मजार बनाने के लिए लोग भी दिए जाते हैं, नमाज पढ़ने के कपड़े और टोपीज भी साथ दी जाती है। ये वही जगह है जहाँ नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आखिर में चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि मज़ार के मकान मालिकों की रजामंदी से ही ये मज़ारें ध्वस्त हो रही हैं। फिलहाल के लिए इस पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।